लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन की थी। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ इंटीजर्स। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या बोला इसने, ये एक नंबर लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। इस नंबर लाइन पे एक पर्टिकुलर डे के टेम्परेचर दे रखे हैं, किसके, डिफरेंट प्लेसेस के। प्लेसेस क्या क्या दिए हैं, लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलुरु, ठीक है। क्या दे रखा है हमको, एक नंबर लाइन गिवन है, उस नंबर लाइन के ऊपर हमको डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। अब देखो हमारा ए पार्ट में क्या होता है, क्या कहना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो एंड राइट टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट, और जो जो प्लेसेस के ऊपर मार्क किए हुए हैं उनके टेम्परेचर क्या करने हैं, राइट करने हैं। आपने रीड किया है नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन के मिडिल में क्या होता है हमारा, जीरो। राइट साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनको राइट करने के लिए पहले हमको अपनी नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए जीरो, जीरो से राइट साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव ऑलरेडी गिवन है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। राइट साइड से हमने अपनी नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड में क्या हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम नेगेटिव नंबर को कंप्लीट करेंगे नंबर लाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन। ये देखो हमने अपनी नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इजी वे से ये जो इसमें प्लेस मार्क किए हुए इनके टेम्परेचर राइट कर सकते हैं। आप पहले इतनी राइट कर दो, लाहौल स्पीति कितने पे है, माइनस एट डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर कितने पे है, श्रीनगर देखो माइनस टू डिग्री सेल्सियस। हमको ये राइट करने इजी हो जाएंगे। शिमला इसमें ऑलरेडी दिया हुआ कितने डिग्री पे है, फाइव डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद ऊटी कितना दिया इसने, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बेंगलुरु का टेम्परेचर इसने कितना दिया हमको, 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके हमें इन प्लेसेस के टेम्परेचर राइट करने। तो सबसे
बेंगलुरु का, ठीक है। हमने लिखा बेंगलुरु और बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। अब कोल्डेस्ट प्लेस जिसका सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर किसका है हमारे पास, लाहौल स्पीति का। तो कोल्डेस्ट प्लेस हमारे पास क्या है, लाहौल स्पीति, ठीक है। और उसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास, -8 डिग्री सेल्सियस। हमने राइट कर लिया, पूछा क्या इसने इनका टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज का, बेंगलुरु और लाहौल स्पीति 22 डिग्री सेल्सियस, क्या करना है डिफरेंस, -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो गया ये 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये हमारा पार्ट बी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो हमारा पार्ट सी क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। क्या बताया हमको, टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच में। तो हम क्या राइट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर क्या है, नंबर लाइन से देखो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, देखो कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। इनका हमको क्या राइट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम राइट करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। एक चीज नोट करो यहाँ पे, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हम बड़े में से छोटा करते हैं ना कि छोटे में से बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है -2 और छोटा क्या है -8। एज वी ऑल होता है, जितना माइनस का नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है -2, इसमें से हमको क्या करना है माइनस, किसको, -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, 8 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर क्या हुआ 6 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसने पूछा है जब हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा लेंगे यानी कि उनको ऐड करेंगे, क्या वो कम आएगा, किसके टेम्परेचर से, शिमला के टेम्परेचर से, लेट अस सी। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या क्या पूछा इसने, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर राइट करो, क्या है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर, टेम्परेचर शिमला का टेम्परेचर कितना है, देखो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, इनको टेकन टुगेदर, अब हम इनको इकट्ठा लेते हैं, टेम्परेचर टेकन टुगेदर, इसका मतलब क्या है, हम इनको क्या कर देंगे कंबाइन, कंबाइन मीन्स ऐड कर देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या होगा डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमने जो टेम्परेचर टेकन टुगेदर लिया ये कितना है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। इसने पूछा क्या है, क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट शिमला, पहले हम देखेंगे शिमला का टेम्परेचर क्या है, शिमला का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, ये कितना था 3 डिग्री सेल्सियस, ऑफकोर्स 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या लिखेंगे यस। और सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये जो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है क्या वो श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम है, तो हम देखते हैं टेम्परेचर श्रीनगर का कितना है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर देखो ऊपर नंबर लाइन से कितना है -2 डिग्री सेल्सियस,
और जब हमने टेम्परेचर टुगेदर किया था वो कितना था 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन एक क्विज है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। अगर कोई सही आंसर देता है तो उसके कितने मार्क्स, क्या मार्क्स देता है, पॉजिटिव मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसके नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स पर, जैक्स नाम का कोई लड़का है वो स्कोर कर रहा है किसमें, 5 सक्सेसिव राउंड में, उसने 5 सक्सेसिव राउंड किए, उसका स्कोर क्या है 25 फर्स्ट में, -5 सेकंड में, -10 15 एंड 10, 5 राउंड्स में उसने ये स्कोर किया। इसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, कि टोटल एंड में उसको कितने मार्क्स मिले, उसका टोटल स्कोर क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम जैक्स स्कोर इन फर्स्ट, जैक्स स्कोर इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में उसका स्कोर क्या था, देखो क्या था 25। उसके बाद जैक्स स्कोर इन सेकंड राउंड, स्कोर इन सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में उसका स्कोर क्या है -5। थर्ड राउंड में उसका स्कोर क्या है, देखो जैक्स स्कोर इन थर्ड राउंड में उसने कितना स्कोर किया है -10। उसके बाद जैक्स स्कोर इन फोर्थ राउंड में उसका स्कोर क्या है 15। और लास्ट फिफ्थ, जैक्स स्कोर इन फिफ्थ राउंड में उसने कितना स्कोर किया है 10। अब हमको क्या करना है इसका, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसका टोटल स्कोर बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए हम क्या करते हैं ऐड, तो इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड, तो हम क्या करेंगे 25 प्लस -10 -5 उसके बाद प्लस -10 उसके बाद प्लस 15 उसके बाद प्लस 10। तो हम क्या करेंगे सबको ऐड, अब हम देखते हैं 25 प्लस माइनस तो क्या जाएगा -5 प्लस माइनस प्लस 15 प्लस 10। तो अब हम देखते हैं पहले 25 प्लस प्लस लिख देते हैं 25 और प्लस का क्या है 15 और प्लस का क्या है 10, -5 -10 का हो गया हमारा 15। इन सब को हम प्लस करेंगे क्या आएगा 15 25 और 15 40 प्लस 10 -15, तो ये हमारा क्या आ गया 50 -15, तो ये हमारा क्या आ गया 35। तो हम क्या लिखेंगे, सो टोटल स्कोर कितना आ गया 35। ये हमारा क्या था फाइनल आंसर। तो जैक्स का जो 5 राउंड में टोटल स्कोर है वो कितना हुआ 35। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड।